उत्तराखंड के मशहूर पर्यटक स्थल औली में आसमानी आफत इस कदर पर भी है कि अब औली पहुंचना मुश्किल हो गया, जहां जोशीमठ सहित तमाम निचली जगहों पर कड़ाके की ठंड एक बार फिर प्रचंड हो गई। वहीं बिजली पानी की समस्या भी शुरू हो गई है। औली में मकान, गाड़ी, सड़क, होटल, टेंट सब कुछ अब बर्फ की आगोश में आ गया है। शनिवार सुबह से ही लगातार औली में दो दिन बर्फबारी जारी रही और बर्फ ने सब कुछ अपने आगोश में ले लिया। यहाँ पर हर चीज पर बर्फ का कब्जा हो रहा है। जहाँ तक नजरें घुमाएं, वहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। रास्ते पहले ही बंद हो चुके हैं, जगह जगह पर फिसलन है, रास्ते चलने लायक नहीं है। पर्यटक जो रोपवे से ऊपर जा रहे हैं वो औली का खूब दीदार कर रहे हैं, लेकिन जो सड़क मार्ग से औली जाने की सोच रहे हैं वो रास्ते में जहाँ तहाँ फंसे हुए नजर आ रहे हैं। सवाल ये है कि पर्यटक अब अपनी जान बचाएं या फिर गाड़ी। ऐसे में पर्यटक पैदल ही औली की तरफ जा रहे हैं। इस समय विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली जबरदस्त बर्फबारी से एकदम सफेद चांदी की चादर ओढ़े हुए हैं। जहाँ तक नजर दौड़ाई जाए वहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। ऐसी बर्फबारी देखने के लिए पर्यटक हमेशा तरसते रहते हैं। औली में अंतर्राष्ट्रीय स्की स्लोप बर्फ से लदालद हो गया है। यहाँ पर स्कीयर स्कीइंग प्रैक्टिस करने के लिए आ रहे हैं। स्कीयरों का कहना है कि बर्फबारी के बाद अब वो अपनी स्कीइंग प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। बर्फबारी भले ही पर्यटकों के लिए आफत बनी हो, लेकिन उनके चेहरे खिल उठे हैं। काफी बढ़िया लग रहा है, बर्फ आने के बाद थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो रही है। इससे पहले पिछले साल यहाँ पे फिस गेम होनी थी, बर्फ ने आने के कारण वो रद्द हो गए थे। इस बार थोड़ी आस है कि मतलब नेशनल तक हो सकते हैं। यहाँ पे जो कल यहाँ पे स्नोफॉल हुई है, काफ़ी अच्छी बर्फबारी हुई है, जिस कारण हम लोग काफ़ी खुश हैं। हालांकि उतनी बर्फबारी नहीं है, बट स्कीइंग के लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बर्फबारी है। बर्फबारी के बाद हम इंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा अपनी प्रैक्टिस चल रही है, पर उतनी बर्फ नहीं है जितनी हमको चाहिए थी। तो आ ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा रोड के कनेक्टिविटी थोड़ा कम है। बाकी रोपवे से और लोग पैदल यहाँ पर आ रहे हैं। काफ़ी उत्साह है पर्यटकों में और लगातार औली की तरफ पर्यटक बढ़ रहा है। इस बार काफ़ी लेट से बर्फ स्नोफॉल हुआ यहाँ पे। अभी रोड का सिर्फ ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि टूरिस्ट पहुँच नहीं पा रहे हैं, आधे रास्ते तक आ रहे हैं और लोग वहीं से पूरा जो स्नो का मजा है, स्कीइंग का है और भी एक्टिविटी है यहाँ पे, वो पूरा मजा नहीं ले पा रहे हैं। संवाद 365 के लिए चमोली से पुष्कर नेगी की रिपोर्ट।